स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है मींस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन जोन में लाई कर रहे हैं यही मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन में हेल्प करते हैं यानी ये वही मॉलिक्यूल है जो इफेक्टिवली कोलाइड होते हैं और रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं बाक़ियों से रिएक्शन नहीं हो पाती है इसी को आगे कॉन्टिन्यू करते हैं अगर अब फिर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ इस ग्राफ से पहले एक सिंपल सी इक्वेशन ट्राई करते हैं सपोज वी कंसीडर अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस तो अगर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस रिएक्ट करते हैं और टू एच आई बनाते हैं अरियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन तभी हुई होगी जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए होंगे मीन्स उनका कहना है कि कोलिजन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। उनका मतलब हैर ही नहीं उसका कहना है ये अब जब ये कोलिजन हुआ तो कैसे हुआ होगा इसका डिस्कशन करते हैं लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो वी कैन राइट इट एज एच एच फिर आयोडीन मॉलिक्यूल है वी कैन राइट इट एज आई आई जब इनके बीच में कोलिजन हुआ तो एक स्टेट आया उस स्टेट में ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड वीक हुए सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एच 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 बॉन्ड और आई आई बॉन्ड वीक हुए और न्यू बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हुए तो वी कैन से हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं कि ये बॉन्ड्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो रहे चाहिए और ये डैश से शो कर रहे है, ये बॉन्ड हमारा वीक हो रहा है तो यू कैन से बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन को आप इन शॉर्ट लिख सकते हो बी एफ और इधर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है तो यू कैन राइट इट एज इन शॉर्ट बी बी तो बी बी फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग बी एफ फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन ये जो रिएक्शन में स्टेट है दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट ऑर्गेनिक में हम इसे ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे और अगर ये स्टेट ज़्यादा स्टेबल है तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इंटरमीडिएट तो केमिकल काइनेटिक्स में हम इसे इंटरमीडिएट बोल सकते हैं बट अगर ये स्टेबल फॉर्म नहीं है तो वी कॉल इट एज ट्रांजिशन स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स में ये जो ट्रांजिशन स्टेट में इंटरमीडिएट बनता है इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वी कॉल इट एज नाम इम्पॉर्टेंट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहने का रीजन है बिकॉज इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है दैट्स वाई वी कॉल इट एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम इसे बॉक्स uh, में कवर कर देते हैं सो so दैट आप ईजिली समझ सकें कि क्या हो रहा है तो लेट्स सी हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल्स का पहले कोलिजन हुआ फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में धीरे धीरे एच एच बॉन्ड ब्रेक हुए और आई आई बॉन्ड ब्रेक हुए और इन्होंने फॉर्म किया एच आई देन इट फॉर्म प्रोडक्ट फिर इसने क्या बना लिया प्रोडक्ट बना लिया अब क्या हुआ वी गेट एच आई एंड एच आई दो मॉलिक्यूल्स एच आई के मिले ओवरऑल इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई अ ग्राफ तो लेट्स प्लॉट अ ग्राफ तो हमने क्या किया पोटेंशियल एनर्जी और इसके ग्राफ को ऑब्जर्व किया तो जस्ट ग्राफ को हमने जैसे ड्रा किया तो वाई एक्सेस देन एक्स एक्सेस अब इसमें जो ये वाला पॉइंट है हमारा वाई एक्सिस पे वो पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट तो वी कैन से हेयर वी हैव पोटेंशियल एनर्जी मीन्स मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है दैट इज़ अवर पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट जिस टाइम के साथ रिएक्शन का होना वी कॉल इट एज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ कर्व एक कर्व ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो दिस कर्व इज़ लाइक दिस मान लेते रिएक्शन की नॉर्मल जो एनर्जी है दैट इज़ इंटरनल एनर्जी वी कॉल इट एज रिएक्टेंट एनर्जी फिर इट चेंजेस, इट रीचेज टू अ सर्टेन लेवल मैक्सिमम वैल्यू तक गई है फिर उसके बाद ये डिक्रीज हुआ है इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं ये जो पॉइंट है बिगनिंग पॉइंट ए यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये हमारा बिगनिंग है पॉइंट ए यह हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज़ रिप्रेजेंटेड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्योंकि जनरली रिएक्शंस कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है तो वी कैन आल्सो कॉल इट एज़ इंथेल्पी चेंज या इंथेलपी ऑफ रिएक्टेंट नाओ तो सपोज ये वो पॉइंट है जब हाइड्रोजन और आयोडीन एच टू और आई टू कोलाइड हुए थे एच टू प्लस आई टू तो यू कैन से लाइक दिस ये जो एच और आई को रेड बॉक्स में बनाया वो हुआ अब जब ये कोलिजन हुआ तो रिएक्शन के साथ एक हाई एनर्जी स्टेट पर पहुंचा और जो हाई एनर्जी स्टेट बना वी कॉल इट एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उस हाई एनर्जी स्टेट को हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी वी कैन से इट इज़ हाईली अनस्टेबल क्योंकि हाई एनर्जी इज़ नॉट पॉसिबल हायर एनर्जी इंस्टेबिलिटी तो ये इमिजिएटली डिकम्पोज हो गया टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच आई इमिजिएटली इट फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच आई इसने प्रोडक्ट बना दिया अभी हम रिएक्शन को देख के कभी प्रैक्टिकली है कि ये ग्राफ बस स्टूडेंट पूछेंगे नीचे भी आ सकता था ऊपर भी आ सकता था तो ये कहीं भी आ सकता है तो यू कैन से दिस इज़ ए पॉइंट ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है जो एनर्जी रिएक्टेंट की है ए इज़ रिएक्टेंट एंड बी इज़ प्रोडक्ट तो बी हमारा प्रोडक्ट है ए हमारा रिएक्टेंट है तो ए और बी के एनर्जी डिफरेंस को वी एज इंथेलपी चेंज इस चेंज को हम क्या बोलेंगे इंथेलपी चेंज बोलेंगे वी एज डेल्टा एच इस ग्राफ को समझते हैं रिएक्शन में कोलिजन हुआ सी पॉइंट पे इतनी एनर्जी मिली कि अब मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं इफेक्टिवली कोलाइड होके प्रोडक्ट बना सकते हैं तो यू कैन से सी स्टेट पे जो बना वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है दिस कॉम्प्लेक्स विल बी हाईली अनस्टेबल वो हाईली अनस्टेबल होगा बिकॉज मैक्सिमम एनर्जी होगा टू गेन स्टेबिलिटी वो लोअर एनर्जी प्रोडक्ट में बनेगा बट ये कि इसकी एनर्जी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है अब इस ग्राफ को एनालाइज़ करिए हमें अगर ग्राफ को एनालाइज करें तो हमें समझ आ रहा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विच इज़ कॉल्ड एज इन्थेरेपी इन ऑफ रिएक्टेंट और इन ऑफ प्रोडक्ट ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इन ऑफ रिएक्टेंट और बी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इन ऑफ प्रोडक्ट एच पी मीन्स ऑफ प्रोडक्ट इंथेरेपी ऑफ रिएक्टेंट का वैल्यू प्रोडक्ट से क्या कम है अगर एक नंबर लें लेट से कि जो ये नंबर है हमारा यहाँ पे दिस नंबर इज़ यू कैन से इट इज़ फाइव हंड्रेड और ये जो नंबर है दिस नंबर इज़ टू हंड्रेड तो प्रोडक्ट की एनर्जी टू है टू हंड्रेड है और रिएक्टेंट की एनर्जी फाइव हंड्रेड है तो इनिशियल एनर्जी फाइव हंड्रेड थी बाद में टू हंड्रेड इसका मतलब एनर्जी क्या हुआ रिलीज़ हुआ क्योंकि अगर हम डेल्टा एच थर्मोडाइनमिक का यूज़ करके निकालते हैं तो डेल्टा एच होता है इन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमारा आंसर क्या आता है प्रोडक्ट की एनर्जी 200 सौ माइनस पाँच आंसर इज माइनस थ्री अब अगर आंसर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन क्या है एग्जोथर्मिक एनर्जी रिलीज हुई तो ये कर्व ये शो कर रहा है कि दिस रिएक्शन इज़ एक्जो ये हमने जस्ट एग्जांपल लिया था तो ग्राफ में ये सब लिखना नहीं है बस हमने ये समझाया आपको तो आपको बस इतना याद रखना है तो ये ग्राफ कंपटीशन में पूछ देंगे और बोलेंगे कि आप बताइए दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो योर आंसर विल बी दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शन है ये क्या है एक्जो है अब यहाँ पे क्या है रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यू कैन से लाइक दिस तो ये जो फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहेंगे हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी यू कैन से एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ए से सी रीच करने के लिए या रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी अगेन हम इस बात को एक डेटा वैल्यू लेके समझते हैं अगर रिएक्टेंट की एनर्जी 500 है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी 1200 है 1200 है। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इस डाइग्राम को और थोड़ा समझते हैं तो अगर इसको हम 1200 कर देते हैं और ये तो देखिए ये 1200 है और ये 1200 है और ये 500 है तो अगर आपसे पूछा जाए ए को सी तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए तो अब आप क्या करेंगे 1200 में से 500 माइनस कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे तो आंसर आएगा 700 तो यू विल से 700 एनर्जी चाहिए तो दिस 700 हंड्रेड इज़ एक्टिवेशन एनर्जी ये जो 700 की वैल्यू है ये क्या है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ ट्वेल्व हंड्रेड ऑनली ट्वेल्व हंड्रेड आप बोलोगे ट्वेल्व हंड्रेड तो ज़ीरो से ट्वेल्व हंड्रेड कहाँ से डिफरेंस है जीरो से ऊपर तक का तो येलो से हाईलाइट करते हैं दिस इज 1200 हंड्रेड और अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज़ सेवन हंड्रेड तो इसको हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं ये सेवन हंड्रेड है तो आई गेस हमें समझ आ रहा है ये ट्वेल्व हंड्रेड है येलो से हाईलाइट कर रहे हैं और जिसे हम ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं वो सेवन हंड्रेड है ये ग्रीन थोड़ा ऊपर नीचे आ गया है, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं होना है हमें इसको शार्प बाउंड्री बना देते हैं तो लाइक दिस अब बारह सौ जीरो से चाहिए तो दिस लेवल इज कॉल्ड एज थ्रेश होल्ड एनर्जी मतलब हम बोलेंगे बारह सौ जूल पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा या रिएक्शन हो जाएगी तो बारह सौ जूल इज़ योर थ्रेश होल्ड एनर्जी 1200 जूल आपका क्या होगा थ्रेश एनर्जी होगा बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि थ्रेश एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या फ़र्क है तो थ्रेश एनर्जी है एनर्जी लेवल जिस पे रिएक्शन हो जाती है और एक्टिवेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अकरेंस ऑफ रिएक्शन मीन्स जो येल्लो ग्राफ है ये शो कर रहा है थ्रेश को और जो ग्रीन है वो शो कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को आई होप ये ग्राफ थोड़ा हमें क्लियर हुआ होगा लेट्स एक्सप्लेन दिस अगेन विद एन अदर कर्व अब हम आपको यही बात फिर एक और ग्राफ ड्रॉ करके समझाते हैं कि सपोज uh, हमसे बोला गया कि एक और कर्व ड्रॉ करिए तो लेट्स सी हमने एक कर्व दोबारा से ड्रा किया पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस तो हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का एक ग्राफ फिर फटाफट -फड़ ड्रॉ कर लेते हैं फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नाउ अब जिस लेवल पे रिएक्शन होगी लट से दिस इज़ द लेवल एट विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस जिसे हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू कैन कॉल इट एज आप इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ थ्रेश होल्ड एनर्जी ये क्या है हमारा थ्रेश होल्ड एनर्जी है और रिएक्टेंट uh, की एनर्जी अभी थोड़ा वैल्यू ले लेते ले हैं ताकि हमें और क्लियर हो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली हमारा कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेन्स एज वेल एज योर मेन्स में तो पूछा भी हुआ है नीट में भी पूछ ग्राफ से नहीं पूछा नीट में इंडायरेक्टली पूछे तो जस्ट ड्रॉ अनदर करो तो लेट्स टेक अ वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू है हंड्रेड यहाँ पे है टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड दिस इज नाइन हंड्रेड सेवन हंड्रेड फाइव हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड अब हमने एक कर्व ड्रा किया और ये ध्यान रखना है हमें कि ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिससे रिएक्शन हो रही है और ये जो शो कर रहा है किस प्रोसेस में रिएक्शन हो रहा है कई जगह अगर यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन होता है बिकॉज रिएक्शन एक टेम्परेचर इंक्रीज करते करते ही होती है तो और uh, इसे रिएक्शन कोऑर्डिनेट की जगह अगर कहीं टेम्परेचर भी लिखा है तो दैट इज़ आल्सो करेक्ट बिकॉज अगर आप देखो पानी गर्म कर रहे हैं कोई रिएक्शन कर रहे हैं उसको हीट दे रहे हैं और एक हीट पे हो गई तो टेम्परेचर ये तो राइज कर रहे हैं अब यहाँ पे इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं लेट्स ए रिएक्टेंट की एनर्जी है दो और उसको हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया क्योंकि थ्रेशोल्ड पे ही मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड होंगे और वो इफेक्टिवली यहाँ पे कोलाइड हो गए तो लेट से uh, ये कोलाइड हुआ हमारा इधर एक सेकेंड लाइक दिस तो दिस इज द पॉइंट वेयर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो इस लाइन को अब डार्क कर देते हैं ड्रॉ हो गया तो आई गेस दोबारा उसके ऊपर बन जाएगा इजिली ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना अब जो प्रोडक्ट है जैसे हमने ऊपर देखा था कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या थी कम थी अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो ज़्यादा हो तो यू कैन से इट कैन बी लाइक दिस तो थोड़ा सा टेढ़ा बना है डाइग्राम ऐसा करते हैं नीट ड्रॉ करते हैं ट्राई करते हैं थोड़ा सा नीट ड्रॉ करने का तो लेट्स ट्राई कि वी स्टार्ट विथ थ्री हंड्रेड एंड गोज़ टू दिस हम इस लेवल पे आए अब देखते हैं कि क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है यू कैन से इट इज़ इन थेरेपी ऑफ रिएक्टेंट एंड इट इज़ इन थेरेपी ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज डेल्टा एच इन थेरेपी चेंज तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है तो ये वैल्यू है यू कैन से फोर और ये है 200 तो अगर हमसे पूछते हैं व्हाट इज़ इन थेरेपी चेंज तो इन चेंज इज़ फोर हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड मीन्स टू हंड्रेड नाव अब ये इतना स्लो मैं इसलिए समझा रहा हूँ चीज़ों को क्योंकि आपको एक एक पॉइंट समझ आए प्लस वी कैन ऑल्सो नेम इट हम इसे नाम भी लिख सकते हैं दिस इज़ पॉइंट ए जो रिएक्टेंट को शो कर रहा है इट इज़ पॉइंट सी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज़ पॉइंट बी जो प्रोडक्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सी है इट रिप्रेजेंट्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को तो ध्यान रहे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले पॉइंट को नाइन हंड्रेड वाले लेवल को और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कन्फ्यूज़न ना हो आपको तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी पॉइंट को इट इज़ रिप्रजेंटिंग पॉइंट C. नाउ अब ये प्रोडक्ट बन गया अब इस रिएक्शन को देख के समझ आ रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी 200 है प्रोडक्ट की 400 है यानी 200 सौ जूल एनर्जी अब्जॉर्व की है तो ये क्लियर हो गया कि दिस रिएक्शन इज़ एंडोथ अब आप बोलोगे सर ये जो ग्राफ था पूरे पहले जैसे था इतना टाइम वेस्ट क्यों किया आपने बिकॉज़ वो थोड़ा जो ग्राफ था उसमें और इसमें एक फ़र्क तो ये समझाना चाह रहा था कि एंडोथर्मिक है दूसरी बात मैं समझाना चाह रहा था आपको कि रिएक्टेंट से ऊपर प्रोडक्ट के लिए जाने के लिए जिसको आप एक्टिवेटेड एनर्जी बोलते हो एक्टिवेशन तो ये रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने के लिए लेकिन अगर मैं बैक आना चाहूँ मीन्स अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट पे आ जाएँ तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे वापस आने के लिए जो एनर्जी है ये भी एक्टिवेशन एनर्जी होती है एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ये भी पॉसिबल है बस डिफरेंस क्या है ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन और अब ऐसा ही पॉसिबल है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी का और वी कॉल इट एज़ इसको हम क्या बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड मतलब रिएक्शन कैन गो फॉरवर्ड एज वेल एज़ बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है और रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए है और ऐसे हम हाईलाइट कर रहे हैं ग्रीन कलर से ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड के लिए ये पॉइंट टू द पॉइंट है पूरा नाउ अब व्हाट इज़ थ्रेश एनर्जी तो थ्रेश एनर्जी को हम येलो कलर से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं थ्रेश एनर्जी क्या होता है बिल्कुल ज़ीरो से तो ज़ीरो से जो लेवल होगा वो हमारा थ्रेश होगा तो सी पॉइंट से जस्ट नीचे ऐड कर दे रहे हैं दैट इज़ अवर थ्रेश एनर्जी तो यहाँ पे इस ग्राफ को देख के आप सभी से अगर मैं जो जो सवाल पूछ रहा हूँ वीडियो रोक के पहले उनके आंसर्स लिखिए फिर देखिए कि आप इस ग्राफ को सही समझ पाए हैं या नहीं मींस अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ सपोज़ uh, हमने आपसे बोला कि वी हैव दिस ये लाइन ड्रा कर देते हैं ये, येल्लो पे अब हम आपसे पूछते हैं कि वट इज़ द वैल्यू ऑफ़ क्या वैल्यू होगी पोटेंशियल इन uh, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फ़ॉरवर्ड ठीक है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थ्रेश एनर्जी इधर बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं तो हाईलाइट करने के लिए हम ग्रीनिश कर देते हैं टोटल एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड और फॉवर्ड उसकी वैल्यू बताओ सर कैसे बताएँ अरे वही टू हंड्रेड की टर्म में बता सकते हो पॉइंट के टर्म में भी बता सकते हो आप स्टॉप वीडियो एंड ट्राई ओके अब आगे चलते हैं तो अब देखते हैं व्हाट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड तो अगर हमसे पूछा जाता है फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है तो हमारा आंसर होगा ये जो रेड कलर वाला पॉइंट है ए से सी तक ये फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है तो हम बोलेंगे ए सी इज़ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड या आप बोल सकते हो नौ में से दो गए सात पॉइंट्स की टर्म में ए सी वैसे सात सर वट इज़ द वैल्यू ऑफ बैकवर्ड बैकवर्ड में ये देखिए चार और ऊपर है 900 900 में से 400 सौ गए 500 तो अब पॉइंट्स की टर्म में तो ग्रीन वाला पॉइंट है BC और वैसे वैल्यू की टर्म में यू कैन से इट इज़ 400 अब आप बताइए कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है फॉरवर्ड या बैकवर्ड तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है फॉरवर्ड ज़्यादा है और जो बैकवर्ड है वो कम है फिर अगर पूछते हैं वट इज़ टोटल थ्रेश एनर्जी तो आपका आंसर होगा नाइन पॉइंट्स यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को पी बोल देता हूँ तो पी सी आपका पॉइंट हो जाएगा आई गेस ये समझ आया होगा सो so दैट आपको ग्राफ का भी बैकवर्ड वीडियो में देखना है क्लियर कट तो मैं इसलिए चीज़ें रब कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें ईजीली कनेक्ट कर सकें कि वट इज़ फॉरवर्ड वट इज़ बैकवर्ड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है कि वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एच का ये रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक तो यू कैन ईजीली कनेक्ट कि डेल्टा एच का साइन क्या होगा पॉजिटिव दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हाईलाइट दिस डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव प्लस ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक है इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं कि रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक तो इस ग्राफ को देख लीजिए दोनों ग्राफ को समझिए ड्रॉ करके देखिए यही सजेशन है मेरा और इस ग्राफ से एक चीज़ और समझिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं आता इसका थोड़ा लाइफ में भी एस्पेक्ट समझ लेते हैं बिकॉज उस रिएक्शन को या उस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है लाइक बारह सौ थ्रेश होल्ड चाहिए होता है अब आप कहते हो सर हम पढ़ रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा हम पढ़ रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा फिर सर एक बच्चा है उसने कम पढ़ाई की उसका रिजल्ट आ गया हम ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं रिजल्ट आ रहा है एक्चुअली क्या है कि हम किसी भी चीज़ को तब कंपेयर करते हैं जब हमें लगता है कि वो भी एलेवेंथ में है मैं भी एलेवंथ में हूँ तो दोनों सेम पॉइंट में है तो हमें लगता है दोनों की इंटरनल एनर्जी पाँच है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हमें लगेगा कि दोनों की एनर्जी क्या है पाँच सौ हाईलाइट कर दिया और सर दोनों को चाहिए सात सौ तो दोनों को टाइम भी सेम चाहिए दिस इज़ द मिस्टेक हर किसी की इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होती वाई क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेंस क्लियर करने नीट क्लियर करने के लिए दो साल चाहिए जो दस साल का उसने मेहनत किया है जो उसने शेड्यूल फॉलो किया है जो डिसिप्लिन फॉलो किया है वो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी सबकी डिफरेंट है उसी की वजह से सबकी थ्रेश एनर्जी भी डिफरेंट है उसी वजह से सबकी एक्टिवेशन एनर्जी भी डिफरेंट है दैट्स वाई अब आप ऐसे सोचिए कि एक बच्चा है वो एक साल रनिंग की है उसने और दो महीने के लिए लॉकडाउन पीरियड में उसने रनिंग छोड़ दी एक बच्चा उसने दस साल रनिंग की है एक बच्चा है उसने पाँच साल की है अब सब ने लॉकडाउन पीरियड में रनिंग छोड़ दी है अब आप उसे देख रहे हो कि वो खाली बैठा है सारे खाली बैठ गए तीनों अब जब दोबारा रनिंग स्टार्ट करेंगे कौन सबसे पहले कवर करेगा वही कवर करेगा जिसने दस साल से रनिंग की है क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी तुम्हारे कंपेरिजन में हाई होगी जिसकी वजह से उसकी थ्रेश एनर्जी कम होगी तो बच्चे मेरे से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है बिकॉज आप क्या कर रहे हो कंपेयर गलत कर रहे हो तो आपको थ्रेश तक पहुँचना है प्लस थ्रेश एनर्जी से कम पे अगर आपने क्विट कर दिया तो आपसे काम नहीं होने ये रिजल्ट नहीं आने फिर आप बोलोगे सर इतनी मेहनत सब बेकार तो देखिए मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है वही काम के हैं बाकी सब बस हेल्प कर रहे हैं बट सर उससे पहले सब बेकार है देखो आप ट्वेल्थ में प्रिपेयर कर रहे हो या आपको एलेवेंथ से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना कि आज ही से तैयारी शुरू हुई है तैयारी तो पुलर डिसिप्लिन एनर्जी सब आपने पहले से ही स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट क्लास से तो अब ऐसा नहीं होता है कि पत्थर आखिरी चोट से टूटा तो बाकी पहले जितने हथौड़े हाँ मारे हैं पत्थर पर वो वेस्ट है तो ये भी नहीं सोचना है तो आप गिव अप नहीं करना है मेहनत करते रहो बिकॉज हमें अपना थ्रेश नहीं पता है बट हमें अब अप सबको अपना इंटरनल एनर्जी और पास पता है उसके बाद बेसिस पे एनालाइज़ करिए और मेहनत करिए और कंपेयर मत करिए किसी से यही एडवाइस है आप लोगों को तो इसका आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता ही क्या बनेगा प्रोडक्ट प्लस अब इस रिएक्शन को दोबारा देखें तो हमें दिख रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा सकती है और बैकवर्ड में भी जा सकती है इसका मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है येस yes. तो यहाँ से एक पॉइंट आता है हमारे सामने ऑल रिएक्शन आर रिवर्सिबल दिस स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट ऑल रिएक्शन आर रिवर्सिबल सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं एक्सेप्ट प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन या ओपन वेसल रिएक्शन में जो पार्टिकल्स जिसमें मूव ऑन हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं प्रोडक्ट ही बाहर चला गया तो रिएक्शन हो गई ऐसे तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फिर यहाँ पे एक और पॉइंट लिखते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंथेलपी चेंज डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज़ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ऑलवेज ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ये ऑलवेज़ ट्रू है ये फार्मूला मतलब वेदर रिएक्शन इज़ एग्जो और एंडो बिकॉज यही डाउट आता है कि क्या हमेशा यही लगाना है यस दिस फार्मूला इज़ ऑलवेज ट्रू वेदर रिएक्शन इज़ एग्जो और एंडो नाउ फिर अगला क्वेश्चन ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ इसको सोचिए और याद कर लीजिए बल्कि मैं तो लिख देता हूँ उस बात को यहाँ पे लर्न बिकॉज इसी पे बेस्ड कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है हमारा अब उसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं कि डेल्टा अगर रिएक्शन एक्जो है एक्जो रिएक्शन में इन एक्जो रिएक्शन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है साइन इज नेगेटिव बट ऑप्शंस चार ये आते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ़ फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी तो अगर आपको ऊपर वाला ये फार्मूला पता है अगर आप इस फॉर्मूले को याद करके बैठे हैं तो भी आप समझ जाएंगे कि नेगेटिव आंसर कब आएगा नेगेटिव तब आएगा जब बैकवर्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और अगर रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव अब अगर आपको सेम यही फार्मूला याद है डेल्टा इज एक्टिवेशन एनर्जी यह फॉर्वर्ड माइनस बैकवर्ड जो हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है तो अब भी अगर आपसे रिलेशन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप बोलोगे आंसर पॉजिटिव लाना है यानी फॉरवर्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इन दिस वे हमने ये प्रोडिक्ट कर लिया है अब लेट्स वेरीफाई इट थ्रू अ कर्व ग्राफ से वेरीफाई करते हैं जैसे ये ग्राफ एक्जो था तो एक्ज़ो ग्राफ था ये तो अब हम सोचते हैं कि एक्जो में अगर हम देखें एक्टिवेशन एनर्जी तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी सात थी और बैकवर्ड की वैल्यू होगी सात सौ से ज़्यादा मतलब फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो देखें हमने एक्जो में यही लिखा है एक्जो में हमने क्या लिखा है फॉरवर्ड की कम और बैकवर्ड की ज़्यादा देखिए सही है अब ये वाला ग्राफ देखिए आप इस ग्राफ में फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी 900 में से 200 सौ के सात और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है चार में से 900 में से चार के 500 यानी फॉरवर्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो देखिए यही लिखा है ये तीनों क्वेश्चंस पहला स्टेटमेंट और ये ये भी ऐसे भी आप एक स्टेटमेंट ही मान लो स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री ये तीनों कॉम्पिटिशन मेन्स में एज वेल एज योर नीड सब में पूछा जाता है तो जस्ट रिमेंबर इट इसे ध्यान से बिल्कुल समझ लो एंड बोथ कर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इस पर बेस्ड ये पूछ लेते हैं ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी पूछ लेते हैं तो जस्ट गो थ्रू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज कॉर्डिनेट रिएक्शन कॉर्डिनेट ग्राफ दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप इस ग्राफ इस वीडियो को बार बार सुनिए डाउट पूछिए और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जस्ट कुछ भी डाउट हो ये देखिए इस वीडियो में सिर्फ दो ही ग्राफ मैंने डिटेल में स्लोली कवर किया बिकॉज आई वॉन्ट कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे कॉन्टिन्यू करेंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है बट हम बार बार आपसे बोलेंगे ये दोनों ग्राफ की ढंग से स्टडी कर लीजिए और ये देख लीजिए कि रिएक्शन के लिए कौन से मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बैकवर्ड क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रेश होल्ड इसे भी एज अ स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि थ्रेश होल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में फ़र्क क्या है तो आप बोलोगे कि थ्रेश होल्ड एनर्जी इज़ सम ऑफ़ का एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से चलो अभी तो वर्ड्स ही लिख देते हैं इज सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी तो दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो इन शॉर्ट वी कैन राइट थ्रेशोल्ड एनर्जी टी ई टी एच ई लिख देते हैं क्योंकि कई बार टोटल एनर्जी समझ लेते हैं इट इज़ द सम ऑफ़ एक्टिवेशन एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इसे हम बॉक्स में बंद करने जा रहे हैं मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस आई गेस यहाँ ग्राफ से भी हमें समझ आ रहा है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है नौ सौ जो किसका सम है इट इज़ द सम ऑफ टू हंड्रेड प्लस सेवन हंड्रेड एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट की एनर्जी सेम हेयर तो आई गेस ये ग्राफ एकदम क्लियर हुआ होगा ये चारों स्टेटमेंट भी हमें समझ आई होगी थ्रेश होल्ड और एक्टिवेशन में फर्क भी समझ आया होगा थिंक ओवर इट कुछ भी डाउट हो प्लीज़ क्लैरिफाइड क्योंकि देखिए ट्वेंट एट्टी ट्वेंटी प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं एट्टी ट्वेंटी प्रिंसिपल क्या कहता है एट्टी ट्वेंटी प्रिंसिपल बोलते हैं कि कई बार ट्वेंटी परसेंट एफर्ट से एट्टी परसेंट रिजल्ट आते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द केसेस में मेंस और नीट में क्वेश्चन इस वीडियो से में जो मैंने समझाया इसी से ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेज में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू हो सकते हैं इसीलिए हम बार बार इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये चारों स्टेटमेंट को समझिए एनालाइज़ करिए ग्राफ ड्रॉ करके कर देखिए और ब्रेन में रि, रि, रिकॉल करिए सारी चीज़ें थैंक यू